नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इनक्रेडिबल हल्क का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि चार्ली को बचाने के लिए हल्क एल्डेस्ट के पास आता है, तो वही बेटी रॉस बैनर को बताती है कि चार्ली को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है एल्डेस्ट को हल्क सौंप दो। ये सुनने के बाद बैनर कुछ सोचता है और ना चाहते हुए भी उसे हल्क एल्डेस्ट को सौंपना पड़ता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, हम एक बड़ा सा विचित्र सा घर देखते हैं जिसके पास से जाने वाले रास्ते पर चार्ली भाग रही थी। तभी चार्ली और तेज भागने लगती है क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है डील पूरी हो चुकी है, अब उसे वापस लाना होगा। यह सुनते ही चार्ली देखती है कि उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी और वो नीचे गिरने लगती है। और तब उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो तब बेड पर सो रही थी। ये देखकर वो तुरंत उस रूम से बाहर आती है और देखने लगती है। तभी चार्ली को वहाँ पर मिरर दिखाई देता है, इसलिए वो उस मिरर में अपना फेस देखने लगती है। लेकिन तभी उसे उस मिरर में उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो चार्ली से कहते हैं तुम्हारा स्वागत है चार्ली टिडवेल। यह सुनते ही चार्ली डर जाती है और तब वो देखती है कि उसके फेस पर जो बर्न मार्क था वो गायब हो चुका है। ये देखकर वो कहती है मेरे फेस को क्या हुआ और मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो मॉन्स्टर चार्ली से कहता है तुम मर चुकी थी पर अब और नहीं, और अभी के लिए तुम लास वेगास में हो। यह सुनते ही चार्ली कहती है क्या मैं मर चुकी थी, तो फिर हल्क कहाँ पे है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है अब वो एल्डेस्ट के पास है, उसे जो चाहिए था वो मिल गया है और तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। तुम यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, लेकिन अगर तुमने इस रूम से बाहर अपना पैर रखा तो हमें तुम्हें पुनः जीवित करना होगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम हल्क को देखते हैं जिसे अब एल्डेस्ट ने कैद करके रखा है। तभी एल्डेस्ट हल्क से कहती है डील के अनुसार चार्ली को पूरा जीवित किया गया है और जो सपना मैं युगों से देख रही थी वो अब पूरा हो चुका है क्योंकि फ्रैक्चर सन अब हमारी कैद में है जिसके जरिए मैं अपने मदर को बाहर निकाल पाऊंगी। यह सुनते हल्क जोर से चिल्लाता है। तभी एल्डेस्ट हल्क से कहती है तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जिस चेन्स ने तुम्हें बांध दिया है वो कभी टूट नहीं सकती है। तुम्हारे साथ जो बैनर है उसने ही तुम्हें मुझे सौंप दिया है ताकि बदले में उस बच्चे की जान बचाई जा सके, और अब तुम्हारा फ्लेश मेरा है। यह कहते हैं एल्डेस्ट हल्क के सीने को टच करती है, लेकिन उसके कारण हल्क के अंदर से बहुत ही ज्यादा गैमा एनर्जी बाहर निकलती है जिसके कारण एल्डेस्ट दूर गिर जाती है और उस चक्कर में एल्डेस्ट का एक मॉन्स्टर भी मारा जाता है। तब एल्डेस्ट फिर से खड़ी होती है और कहती है ये अब क्या हुआ, यह पैट्रम एक्ट्रेस अनब्रेकेबल है, तो फिर ऐसी कौन सी पावर है जो तुम्हें बचा रही है, जिस पर हल्क बस एक वर्ड कहता है और वो था प्यूनी। यह सुनते ही एल्डेस्ट हल्क से कहती है इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारे अंदर की ग्रीन फायर चाबी है जिसे मैं किसी भी हाल में निकल के रहूंगी। यह चार्ली अपनी ताकत लगाकर उस रूम का दरवाजा खोल देता है लेकिन वो दरवाजा लॉक था। तभी चार्ली आसपास की सारी जगह देखने लगती है ताकि उसे बाहर जाने मिल सके, लेकिन उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये देखकर वो पास की दीवार पर अपना हाथ मारती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो एक बार मैं हल्क के साथ आ गई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी हमें उस मिरर में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो ये सुन रहा था। यहाँ हल्क अपना पूरा जोर लगाकर उस चेन को तोड़ने जाता है लेकिन वो चेन टूट नहीं रही थी। तभी हल्क को बैनर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये चेन अनब्रेकेबल है और एल्डेस्ट का मानना है कि ये चेन फर्स्ट फिलामेंट से बनी हुई है, तो अब टॉर्चर चेंबर में कौन है। यह सुनते ही हल्क को गुस्सा आता है और वो जोर से अपने हाथ जमीन पर मारता है और बैनर से कहता है अपना मुंह बंद करो बैनर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये कहते हल्क वहां पर सब कुछ तोड़ देता है बस चेन छोड़ के। तभी वहां एक लड़की आती है और हल्क से पूछती है तुम किससे बात कर रहे हो, जिस पर हल्क उस लड़के से कहता है यहाँ से चली जाओ, जिस पर वो लड़की हल्क से कहती है क्या वो चार्ली है क्योंकि वो तुम पर गुस्सा है। ये सुनते ही हल्क उस लड़के से पूछता है क्या वो बच्ची यहाँ पर है, जिस पर वो लड़की हल्क से कहती है हाँ वो जीवित है लेकिन वो अब भी एल्डेस्ट के कैद में है और वो तब तक कैद में रहेगी जब तक
तुम एल्डेस्ट को वो नहीं देते जो उसे चाहिए। यह सुनते ही हल्क उस लड़की से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर वो लड़की कहती है, तुम जानते हो ये एल्डेस्ट क्या है? वो बस कुछ हफ्ते पहले आई है और जिस तरह वो बातें कर रही है उससे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी एवेंजर थे, पर अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह कहते हैं वो लड़की रोने लगती है और तब वो लड़की अपनी स्किन उतारती है और हल्क से कहती है, ये सारे लोग मॉन्स्टर है, वो भी असली वाले। इन लोगों ने मेरे दोस्त को उनकी तरह बना दिया और मुझे भी कुछ काम करवाए जिसके कारण मैं अब मॉन्स्टर हूँ और अब मेरी बारी है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं अगर यहाँ से बाहर गई तो वो मुझे ढूंढ लेंगे, तो क्या अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इन सबको खत्म कर दोगे? ये कहते हैं वो लड़की अपनी स्किन पहन लेती है और हल्क से कहती है, वे लोग आ रहे हैं। ये कहते हैं वो लड़की वहां पर छुप जाती है। तभी वहां पर एल्डेस्ट आती है और हल्क से कहती है, फ्रैक्चर सन, क्या तुम वो देने के लिए तैयार हो जो हमें चाहिए? जिस पर हल्क एल्डेस्ट से पूछता है, बच्ची कहाँ पर है? जिस पर एल्डेस्ट अपना मॉन्स्टर हल्क को दिखाती है और कहती है, मेरा ये मॉन्स्टर उस पर हर पल नजर रखे हुए है। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ एल्डेस्ट। तभी एल्डेस्ट हल्क को बातों में उलझाती है और फिर अपनी पावर से हल्क को टॉर्चर करने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे उस दूसरे हिस्से से बात करना चाहती हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया, तो बताओ तुम्हें कौन बचा रहा है? यह कहते एल्डेस्ट बैनर को हल्क से खींचकर बाहर निकालने लगती है, जिसके कारण हल्क और बैनर दोनों टॉर्चर हो रहे थे। तभी बैनर एल्डेस्ट से कहती है, चार्ली को जाने दो, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पर एल्डेस्ट बैनर से कहती है, तुम सौदा करने के हाल में नहीं हो। लेकिन तभी हल्क को गुस्सा आता है और वो बैनर को खींचकर बाहर निकलने लगता है और फिर एल्डेस्ट को मारने जाता है। लेकिन तभी एल्डेस्ट अपनी पावर से उसे पीछे फेंकती है, जिसके कारण हल्क बेहोश हो चुका था। तभी एल्डेस्ट अपने मॉन्स्टर से कहती है, हमें इससे किसी भी हाल में पता करना होगा, इसलिए तुम चार्ली को यहाँ ले आओ, मैं उसे इतनी यातना दूंगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उसे मार डालूंगी। यह चार्ली अभी बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी उस रूम का डोर तोड़ते हुए वो लड़की अंदर आ जाती है जो थोड़ी देर पहले हल्क से बात कर रही थी। तभी वो लड़की अंदर आती है और चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम्हारा दोस्त वहाँ कुछ बोलने की हालत में नहीं है, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा है, तो इसलिए तुम मेरे पीछे आ जाओ। ये कहते हैं वो लड़की चार्ली को बाहर ले आती है। तभी बाहर आने के बाद चार्ली उस लड़की से पूछती है, क्या ये लास वेगास है? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ हम लास वेगास के नीचे है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जो खाने की फिराक में रहते हैं, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। ये कहते हैं वो लड़की चार्ली को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन चार्ली उस लड़की से पूछती है, हल्का क्या? जिस पर वो लड़की कहती है, उसे भूल जाओ, वो मर चुका है। जिस पर चार्ली कहती है, क्या मर चुका है? उसे कोई नहीं मार सकता है। जिस पर वो लड़की कहती है, देखो इस समय तुम्हारा बचना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यह सुनते ही चार्ली उस लड़की से बहस करने लगती है, जिसके कारण वहां पर शोर हो जाता है और तब पास में बैठे हुए दो मॉन्स्टर्स चार्ली को देख लेते हैं। तभी वो लड़की चार्ली से कहती है, मैं इन्हें रोक के रखती हूँ, तब तक तुम यहाँ से भागो। ये सुनते ही चार्ली वहां से भागने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर चार्ली को मारने जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उन दोनों मॉन्स्टर्स को रोक लेती है। यहाँ चार्ली भागते हुए एल्डेस्ट के थ्रोन के पास आती है और कहती है, हल्क मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि वो दोनों मॉन्स्टर्स चार्ली का पीछा करते हुए वहां आ गए थे, इसलिए चार्ली तुरंत उस थ्रोन के पीछे छुप जाती है और कहती है, भगवान प्लीज मुझे इसे बाहर निकालो। यहाँ बाहर वे मॉन्स्टर्स चार्ली को ही ढूंढ रहे थे, तो वही थ्रोन के पीछे छुपकर चार्ली कहती है, मुझे सबसे पहले हल्क को ढूंढना होगा और फिर यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर उसके लिए गॉड मुझे बहुत स्ट्रांग बनाओ। ये कहते हम उस थ्रोन पे रखे हुए वुल्फ का सर देखते हैं, जिसकी आंखें ग्लो होने लगती है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।